बेटा हीरा, तुझे भूख भूख तो नहीं लगी ना? अरे बाप रे बाप, छोटी मेरे को बहुत टेंशन हो गया, मैं बहुत टेंशन में अभी। क्यों, क्या हुआ खालू? अरे कल 11 बजे की मेरे पोरे की बारात है और गांव में इतने शादे है कि सारे गांव के घोड़े फूके, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो पैदल बारात लेके चले जाओ। नहीं ना बेटा, अरे मेरे पूरे के अरमान है कि बारात निकालूंगा तो घोड़े पे, नहीं तो सारी जिंदगी कुवारा बैठा रहूंगा मैं। अरे बारात कभी मैंने पाव पाव लेके गया ना तो मेरे खानदान में तू तो हो जाएगी पूरी। लोग क्या बोलेंगे, देखो वो कट्टा चीचा लुक्का हो गया। अरे टेंशन मत लो खालू, बारात के वास्ते मेरा घोड़ा दे दूंगी। ऐसा? अरे वाह 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 वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी चिड़िया। एक काम कर, ये ले ये 100 रुपये हिसार रखा है तू, वो देख मेरा पोरे भी आ गया। फिर यही मेरा पूरा है ना? ये तुम्हारे एडवांस के पैसे। अब मैं समझी कि तुमको पूरे गांव में घोड़ा क्यों नहीं दिया। अरे बेटा ये देख, अगली रोजी को कोई ठोकरा था क्या? ये ले रख ले पैसे, ये ले रख। नहीं खालू, तुम ही रखो। अरे रख लेना बहन। अरे नहीं हो, अभी तूने मेरे को जवान दी ना कि मेरा घोड़ा दे रही मैं, ये ले रख ले 100 रुपये। ये लो खालू, तुम्हारा पूरा मेरे घोड़े पर अगर बैठ गया ना तो मेरा घोड़ा मर जाएगा। अरे ले लेना पूरी ले लेना। अरे नहीं हो। अरे ये ले सर, रखना पकड़ना। अरे नहीं चाचा तुम रखो, मैं नहीं मिटाऊंगी इसको। अरे बैठा लेना बेटा इसको। अरे नहीं चाचा। हो बाबा, हो गई क्या मेरी घोड़े की बात? अरे हाँ वही बात कर रहा ना मैं। ए बेटा कुछ ज्यादा वजन नहीं है उसका? अरे जाओ ना चीचा। अरे थोड़ा खाने से ऐसा हो गया वो, ये ले। ओ नहीं हो। पूरी और घोड़ा गायब हो गया। अरे देखो इससे बोलता भाई कि थोड़ा कम खाया कर बेटा, समझा क्या? ये देख पैसे लेके फिर रहे, देखो कोई बिठा नहीं रहा घोड़े पे, अब क्या करता। चलो छोटी घोड़े वाली आई, चलो बच्चों घोड़े पे बैठो। किसको किसको बैठने का? एक चलो छोटी घोड़े वाली आई। बात तो करन दे। ये छोटी मेरे पोरे के वास्ते ना भाड़े पे घोड़ा होना। अरे दादा पहले तो तेरे पोरे को यहाँ से दूर कर। तेरे पोरे का डरावना मुंह देख के मेरा घोड़ा भी चकरा। मेरा लहन से बोल, मेरा पोरे करोड़ों में एक है। हाँ सही बोल रहा तू, ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते। अरे जरा दम पकड़ रे, इतना क्या थाई थाई कर रहा। अरे तेरे पोरे के बारात के वास्ते दूसरा घोड़ा देख ले। हा? मैं जोखिम नहीं ले सकती। बारात के वास्ते घोड़ा नहीं लग रहा, मेरे पोरे के दिमाग में है ना शादी करने का भूत घुस गए है, तो जो मैं उसको है ना घोड़े पे बिठा के पागल खाने में भर्ती करने ले आ रहा। क्या?
छोटी दीदी आते होंगे। अरे आराम से एक एक करके सब बैठना, शोर मत करो, सबका नंबर आएगा। पहले किसका नंबर है? मेरा। चलो हाँ चलो चलो। चलो बच्चे लोग उतरो नीचे। अरे ओ भैया जरा इनको उतार दो ना। चल बेटा तू भी उतर। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे और घुमाओ। चल उतर नीचे। 10 रुपए में क्या घोड़ा खरीद लिया क्या? बोले मैं नहीं उतरूंगा। ले खा, लाई थी नरम नरम घास खा रहा, चने खा रहा, फिर भी ढिल्ला डुसुम जैसा भागता। जरा भी ताकत नहीं है तेरे अंदर, खाली दिखने का है तू। साला यार आज भी ना कड़क घोड़े चने चापना पड़ेगी। चकने के वांदी है क्या करता वा वड़ा, घोड़े के चने चाप लेते। छोटी भी चले गए, मौका अच्छा है, चल। अरे बाप रे बाप, क्या मुझे लात मार रहे। अरे मिल गया, थोड़े से लूंगा, बुरा मत मानना है वा। अरे बाप रे बाप, क्या बुरा चाबा रे। Oh no! क्या बुरा चाबा रे, अबे मेरी मजबूरी समझ ले वा, मेरे चकने के वांदे है, थोड़े से लूंगा। ओए अपनी लाइन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। वाह यार चकने की लाइन हो गई। अरे मेरे बाप, अरे वाह छोटी, आज तो तेरा अच्छा धंधा हो गया। Hands up! Oh no! ये लो डाकू भैया पैसे लो, मुझे मत मारो। अरे छोटी मैं डाकू नहीं है। अरे बाबू तू डाकू के हुलिये में, मैं कुछ समझी नहीं। अरे छोटी अब पानी सर से ऊपर हो गया, मेरी औरत है ना गुस्से से घर छोड़ के चले गई है उसके मायके, और मेरे ससुरे ने मेरे ऊपर 400 का केस ठोक दिया। खाती भर भर के मैं ना भाड़े के घर में आ गया। अच्छा तो मैं अब समझी तू डाकू चले कर रहा। अरे ऐसी बात नहीं छोटी, मैंने सोचा कि डाकू को लिया लूंगा, तेरे घोड़े पे बैठ के जाऊंगा, मेरे ससुर के कान पट्टी बंदूक लगाऊंगा, मेरी औरत को घोड़े को उड़ा के लेके आऊंगा। क्या? हाँ।